इफ़ यू गो ऑन द ट्विटर और अगर आप मेरे ट्विटर अकाउंट को सर्च करें और नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर अकाउंट को सर्च करें तो उसमें एक बहुत ही फंडामेंटल फर्क देखेगा ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा फर्क है दैट इज uh, मेरे तीन हजार नौ सौ सत्तानवे फॉलोअर्स हैं एंड मोदी जी के एट्टी थ्री पॉइंट नाइन मिलियन फॉलोअर्स है बट बिसाइड्स दैट एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अगर हम दोनों के दोनों अकाउंट इकट्ठे खोले तो हमें दिखेगी एंड दैट वुड बी द देखिए मोदी जी का जो अकाउंट है उस पर ब्लू टिक है एंड मेरा जो पर्सनल अकाउंट है ट्विटर के ऊपर दैट इज एब्सोल्युटली विदाउट एनी पर्टिकुलर टिक और समथिंग ये जो ब्लू टिक होता है ये ट्विटर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और जो सिग्निफिकेंटली कोई जो पर्सनालिटी होते हैं इन्फ्लुएंसर्स होते हैं पॉलिटिशियंस गवर्नमेंट ऑफिशियल जर्नलिस्ट जो होता है उनके जो ट्विटर का जो सोशल मीडिया का जो अकाउंट होता है उसके आगे होता है काइंड ऑफ ए वेरिफिकेशन जो कि ट्विटर ने की होती है अब जैसे कोई फैन पेज है नरेंद्र मोदी जी का या किसी और का शाहरुख खान का किसी और एक्टर का एक्ट्रेस का विराट कोहली का उसके आगे जरूरी नहीं है ये जो ट्वीट ये जो ब्लू टिक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बेसिकली सबके सामने हो दिस इज स्पेसिफिकली डन बाई द ट्विटर ये ट्विटर का एक प्रोग्राम एक प्रोग्राम uh, है जिसको वेरिफिकेशन प्रोग्राम कहते हैं वो इसलिए है ताकि अगर आप ट्विटर के यूजर्स हैं तो आसानी से पता कर सके कि कौन सा अकाउंट और ऑथेंटिक है और कौन सा इम्पोस्टर है या कौन सा पेरेडी के द्वारा बनाया जाता है सो बेसिकली ट्विटर के ऊपर अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं तो अगर जिनकी जिन भी अकाउंट के आगे एक ब्लू चेक मार्क होता है उनके अकाउंट के नाम के आगे डिस्प्ले होता है ये ब्लू चेक मार्क इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि ट्विटर ने इस बात की वेरिफिकेशन की है कि दिस अकाउंट वो श्योर है कि वो नरेंद्र मोदी जी का ही बेसिकली अकाउंट है बाकी वरना कहीं कोई नकली बेसिकली नरेंद्र मोदी का बेसिकली बस नाम लिख के और हैंडल लिख के उस अकाउंट को फंक्शन ना करना स्टार्ट कर दे सो so, यह ब्लूटिक तरीका होता है, ये बात पहचानने का कि है, और है और उसी आदमी का है जिसका वो करने के लिए कह रहा है कुछ सेलिब्रिटीज थे उन्होंने बेसिकली ट्विटर को कंप्लेन किया कि उनके नाम से कई सारे से इंपोस्टर कई सारे पैरोडी अकाउंट है नकली अकाउंट है जिससे जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके जो ऑडियंस है वो कंफ्यूज हो जाते हैं एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये ट्विटर का ये जो वेरिफिकेशन का जो ये सिग्नल होता है टिक इसका ये मतलब नहीं है कि ट्विटर उनके व्यूज को या पर्टिकुलरली उनको किसी प्रकार के एंडोर्समेंट दे रहा है या फिर उसके जो ट्वीट्स हैं वो सच हैं या ट्रूथ हैं ये और समथिंग इट इज़ जस्ट अ मेयरली समथिंग मेयरली सिर्फ और सिर्फ ये कि अकाउंट वेरीफाइड है और उसी आदमी का है जो कि उसको क्लेम कर रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप के अगर आगे नाम है शाहरुख खान के अकाउंट के आगे ब्लू टिक लगा हुआ है तो बेसिकली उन्हीं का है बाकी किसी का नहीं है एंड ट्विटर हैज़ बेसिकली वेरीफाइड इट यूजअली ट्विटर पर जो ये अकाउंट होते हैं जिन पर ये ब्लू टिक लिगा होता है उनको जनरली ऐसे नॉर्मल भाषा में बेसिकली सोशल मीडिया पर ब्लू चेक्स कहा जाता है जिनके अकाउंट के आगे ब्लूटिक लगा होता है जिनके नहीं अब ये स्पेसिफिकली जो ब्लूटिक के अकाउंट है यह सिर्फ और सिर्फ कुछ कैटेगरी के लोगों को दी जाती है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं आप बड़े सारे आई एस का अकाउंट चेक करेंगे आईपीएस का ब्यूरोक्रेट का तो उनके आगे ब्लूटे मिलेगा कंपनीज ब्रांड्स तो जैसे आपने सैमसंग का चेक कर लिया एडिडास नाइकी जो बड़ी बड़ी कुछ कंपनीज़ हैं उनके जो ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं उनके आगे ये ब्लू चेक मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन के आगे जैसे कि आ, आ, जैसे कि भाई एल आई का कोई अकाउंट हुआ ओ के अकाउंट हुए न्यूज ऑर्गेनाइजेशन आप जितने भी टीवी चैनल्स के देखेंगे ए एन आई न्यूज़ रिपब्लिक एनडी टी वी उन सब के आगे ये ब्लू चेक मिलेगा इस बात की कंफर्मेशन कि दिस दीज अकाउंट्स आर बेसिकली हेल्ड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन और कुछ जर्नलिस्ट एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स स्टार्स एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजर्स और कुछ अलग से और इन्फ्लुएंशल इंडिविजुअल्स जो कि आजकल इन्फ्लुएंसल का जो सिस्टम चला हुआ है वेरीफाइड जो अकाउंट होता है ये जो ब्लू टिक जो होता है आगे लगा हुआ ये सोशल मीडिया पे ट्विटर पर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आफ्टर क्वालिफिकेशन होती है काइंड ऑफ है सोशल स्टेटस की मेरे पास ब्लू टिक है और बेसिकली सबके पास नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ ट्विटर के द्वारा दिया जाता है ऑन देयर ओन क्राइटेरिया कि किसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए एंड टिल नाउ ये बेसिकली फ्री था आइडिया एक सिंपल सा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि अकाउंट आपका ऑथेंटिक होना चाहिए नोटेबल अकाउंट होना चाहिए कि आपका जो अकाउंट है रिप्रेजेंट करे किसी प्रोमिनेंट इंडिविजुअल या ब्रांड से और एक्टिव होना चाहिए आपका अकाउंट ट्विटर के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग एक्टिव होना चाहिए अगर ये तीनों की तीनों क्वालिफिकेशन फिल करते हैं तो आप अपनी एलिजिबिलिटी को कंफर्म करेंगे रिक्वेस्ट को स्टार्ट करेंगे एंड यू विल

इसको आप बेसिकली अब खरीद सकते हैं और इसकी जो फीस होगी ट्विटर चार्ज करेगा प्रति महीना आठ डॉलर के हिसाब से आज से पहले ये कंप्लीटली फ्री था और सिर्फ और सिर्फ नोटेबल इंडिविजुअल्स और जो ट्विटर की जो बेसिक कंडीशंस थी उसको फिल करने वाले लोगों को ट्विटर के द्वारा ग्रांट किया जाता था एंड दिस वेरीफाइड बैज कैन नाउ एक्चुअली बी बॉट बाय एनी बडी बाई फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रोसेस बट ऑल्सो बाई पेइंग द फीस ऑफ द एट डॉलर अब ये एट डॉलर की फीस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर लागू होगी बाकी देशों में उसी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से मतलब ऐसा नहीं कि एट डॉलर वहां पर लागू हो रहे हैं तो बेसिकली हमारे यहां पर भी एट डॉलर लागू होंगे इंडिया में भी इंडिया में परचेजिंग पैरिटी के हिसाब से उसकी

सारी की सारी सेम चीज को अगर इंडिया में खरीदा जाए तो इंडिया में बेसिकली तेईस लाख रुपए होंगे तो यानी कि यूएसए में जो अस्सी लाख रुपए कमाता है इंडिया में बेसिकली पच्चीस लाख के करीब आ, सेम टू सेम लाइफ जी सकता है सिमिलरली अगर हम बात करें सऊदी uh, अरेबिया में सेम चीज़ सैंतीस लाख रुपए में होगी और सिमिलरली ब्रिटेन में सेम टू सेम जो होगा सेम टू सेम तू चीज़ों को खरीदने के लिए पैंसठ लाख रुपए का खर्चा लगेगा सेम काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल परचेजिंग पावर पैरिटी क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग करेंसी फॉलो होती है तो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग प्राइस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक कंडीशंस सो अगर किसी देश की अगर हम एक आइडेंटिफाई करनी है कि इकोनॉमी में किस चीज़ का खर्चा कितना होगा इसी तरीके से अगर आठ डॉलर यूएसए में लगते हैं जो कि अप्रॉक्सिमेटली आज, अब अस्सी रुपए का हो चुका है तो आठ आठ छे सौ चालीस रुपए के करीब हो जाएगा ये छे सौ साठ रुपए इंडिया के हिसाब से लेकिन इंडिया में छे सौ साठ रुपए पे करना बेसिकली थोड़ा सा मुश्किल होगा तो परचेजिंग पैरिटी से काउंट करेंगे तो लेस से कि सत्तर से अस्सी रुपए के करीब का जो एक ब्लू टिक का मंथली खर्चा डेढ़ सौ रुपए का करीब वो उस हिसाब से काउंट होगा स्पेसिफिकली ब्लू चेक मार्क जो कि पर्सन के होता है इसका मतलब ट्विटर ने कंफर्म कर लिया है कि अकाउंट उसी आदमी को बिलोंग करता है ट्विटर ऑब्वियसली आपको या, आपने न्यूज सुनी होगी कि ट्विटर बेसिकली इलॉन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर में पिछले ही हफ्ते खरीदा है उसके बाद अब वो कोशिश कर रहे हैं इसको थोड़ा सा और ज्यादा कमर्शलाइज करने के लिए उन्होंने कहा कि जिन भी जो भी लोग ये ब्लू चेक मार्क खरीदेंगे ये एट डॉलर की प्रति महीने की सब्सक्रिप्शन को जो लेंगे उनको रिप्लाई करने में प्रायोरिटी उनको ट्विटर पर मेंशन करने में उनको सर्च करने में थोड़ी सी प्रायोरिटी दी जाएगी और वो ज़्यादा लंबे वीडियोस को पोस्ट कर पाएंगे मोर इम्पॉटेंटली वो एडवर्टीजमेंट्स भी बेसिकली कम देखेंगे मतलब कि ये सब्सक्रिप्शन प्लान ऐसा नहीं है कि बेसिकली ट्विटर पर उनको ऐड दिखना ही बंद हो जाएगा जैसे कि यूट्यूब पर अगर आप यूट्यूब प्रीमियम की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आप यूट्यूब पर ऐड बंद हो जाती है आप उसको बेसिकली यूट्यूब को एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी एडवर्टीज़मेंट्स के ये आठ डॉलर पे करने के बाद भी एडवर्टीजमेंट दिखेंगी बट आपका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ दर्टीज हैं उनको कम कर दिया जाएगा दैट इज वट देश एक ट्विटर ब्लू टिक से एक और कंफ्यूजिंग जो टॉपिक है वो मैं पहले बता देता हूँ ट्विटर ब्लू एक है ब्लू टिक ये जो ब्लू टिक है ये अभी अभी अनाउंस किया है नए ओनर ने नए जो उनके सी ईओ है ट्विटर के उन्होंने आठ डॉलर के अंदर इससे पहले ट्विटर की एक और सर्विस चलती है जिसको नाम कहते हैं ट्विटर ब्लू काइंड ऑफ ए सब्सक्रिप्शन सर्विस है कि बेसिकली ट्विटर की जो ये ट्विटर ब्लू नाम की सर्विस ले लेते हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स एक्सेसिबल हो जाते हैं ठीक है एक्स्ट्रा फीचर्स मतलब कि आप अपने ट्वीट को एडिट कर सकते हैं अगर आपने ये सर्विस नहीं ली हुई है तो बेसिकली आप ट्वीट को एडिट नहीं कर पाएंगे अगर आपने ट्विटर ब्लू की सर्विसेज ले ली है तो बेसिकली आप ट्वीट को एडिट कर पाएंगे ये इस समय भारत में अवेलेबल नहीं है सिर्फ US, Canada, ये सिर्फ यूएस कनाडा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर अवेलेबल है हो सकता है आने वाले समय में इंडिया के अंदर भी ये सर्विस हो जाए लेकिन दिस इज समथिंग डिफरेंट ये जो ब्लूटिक पे एट डॉलर है ये कंप्लीटली नई बात है जो कि ट्विटर के नए ऑनर इलॉन मस्क के द्वारा की गई है माय क्वेश्चन इज दैट अगर आप एक ट्विटर यूजर हैं, वुड यू बी विलिंग टू पे हंड्रेड रुपीज वन फिफ्टी रुपीज बेस्ड ऑन दर्चेजिंग पावर पैरिटी पर मंथ टू कीप द ब्लूटिक स्टेटस क्योंकि ब्लूटिक का जो शॉर्ट आफ्टर फीचर था कि ब्लू टिक होना चाहिए ट्विटर के ऊपर वो इसीलिए था क्योंकि वो बहुत कम लोगों को मिलता था वो ट्विटर के द्वारा दिया जाता था एंड नॉट एवरीबडी कुड एक्चुअली हैव इट बट जैसे ही इसको अगर हम कमर्शियल uh, एंटिटी में प्रोडक्ट में कंट्रोल करें कि एनी कैन बाय इट तो कोई भी आदमी सौ या डेढ़ सौ दो सौ रुपये में जितने भी प्राइसेस होंगे उसके अंदर इसको खरीद सकता है सो so, अगर आप ट्विटर यूज करते हैं विल यू बी विलिंग टू बाय द ट्विटर ब्लूटिक या फिर आप कहेंगे कि फिर अब जब परमानेंटी हो ही गया पैसे पे खर्चे जा रहे तो इसको खरीदने का क्या ही मतलब आप मुझे ये बात जरूर कमेंट्स में जरूर बताइएगा बट ये वाली बात है कि मोदी जी के पास जो ब्लूटिक है वो बेसिकली आप उसके बाद डेढ़ सौ से दो सौ रुपए में खरीद सकते हैं मतलब इफ दैट इज क्राइटेरिया जो कि आपके दिमाग में आ रहा होती ब्लूटिक अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 2024 में यानी कि आने वाला जो नेक्स्ट ईयर से नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन अगर स्टूडेंट्स अभी से बिगिन करेंगे सो दे वुड बी इन अ बेटर स्टेज टू एक्चुअली गेट इन टू विद योर कॉम्पिटिशन आपके कॉम्पिटिशन से अगर आपको आगे निकलना है तो जितनी जल्दी आप तैयारी करें उतना बेहतर होगा 2024 के लिए यूपीएससी ने एक लाइव फाउंडेशन बैच बिगिन किया है जो कि 14 नवंबर से बिगिन हो रहा है यानी कि आपकी जो क्लासेस हैं वो करनी स्टार्ट होंगी आपकी जो पढ़ाई है आपकी जो सिलेबस uh, की कंप्लीशन है जो सिलेबस की प्रिपरेशन uh, है हम 14 नवंबर से स्टार्ट कर देंगे क्लासेस होंगी छह बजे शाम को छह बजे क्लासेज होंगी आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए अगर आप अगले पूरे साल अपनी पूरी की पूरी यूपीएससी की फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं बिकॉज वंस यू आर डन विद दिस बैच आप अपने किसी भी कॉम्पिटिशन से जितने भी बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके टॉप वन परसेंटाइल के अंदर होंगे एंड इफ यू वॉन्ट टू बी देयर इसका सरल सा तरीका है इस बैच को ज्वाइन करने का ओके समथिंग वेंट हैपन आप स्टडी आई क्योंकि वेबसाइट पर जाइए और सीधा सरल अपना जो 2024 का बैच है उस पर क्लिक कीजिए उसमें बाय नाउ पर जाएंगे तो बेसिकली आपको एक पेज आ जाएगा जहां पे आप कोड एंटर कर सकते हैं अमित लाइव का अमित का कोड एंटर करने के ऊपर बाद आपको जो कोर्स की जो फीस है वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल सिर्फ अठारह रुपए की हो जाएगी और चौदह नवंबर से हम आपकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे अनलाइक द ब्लू टेक जो कि बेसिकली कंप्लीटली अब अनअफोर्डेबल हो गया है आठ डॉलर प्रति महीना सिर्फ और सिर्फ ब्लू टिक रखने के लिए दैट इज एन अनफोर्डेबल आइडिया फ्रॉम द मस्क स्टडी आईक्यू का उद्देश्य है कि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है हमारे देश के जितने भी छात्र हैं उनके लिए जितनी भी अफोर्डेबल हो सके उतनी अफोर्डेबल की जाए गो ऑन द स्टडी डू गो ऑन द स्टडी दी आई चेक आउट द फोर स्टडी आई का जो लाइव फाउंडेशन बैच है बट हाँ याद रखिएगा अमित लाइव अगर एडमिशन लेना है तो डेफिनेटली यूज दैट कोड अमित लाइव टिल देन एंड हैव अ वेरी नाइस